नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम आइसोमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है लेटेस्ट थ्योरी के अंडर वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले आइसोमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट से आप काफी हद तक अवेयर हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस को फॉलो करा है, पिछले दो सेक्शंस जैसे कि ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा, तो आपने देखा होगा कि कोई भी मैपिंग एक सेट ए से सेट बी पर जो डिफाइन होती है, हम यहां पर चलिए ग्रुप ले लेते हैं, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप बी पर डिफाइन होती है जब हमारे पास में वो मैपिंग जो है 1-1 हो, ऑन टू हो और होमोमॉर्फिज्म हो। वो मैपिंग 1-1 हो, ऑन टू हो और होमोमॉर्फिज्म हो, ऐसे केस में हम उस मैपिंग को बोलते हैं कि वो जो मैपिंग है वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाती है। और अगर वो मैपिंग हमने खुद से डिफाइन करी है, कोई भी मैपिंग को अगर हम खुद से डिफाइन करते हैं तो हमें ये चेक करना होता है कि वो जो मैपिंग है वो वेल डिफाइंड है या नहीं, यानी कि वो किसी दो एलिमेंट्स पे तो मैप नहीं हो रही है ना। अगर वो दो एलिमेंट्स पे मैप हो रही है, इसका मतलब हमारे पास में वो मैपिंग जो है वो वेल डिफाइंड मैपिंग नहीं है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वेल डिफाइंड हम किस तरह से चेक करते हैं, कोई भी मैपिंग हमने कैसे चेक करनी है कि वो वेल डिफाइंड है या नहीं। अगर दो एलिमेंट्स इक्वल हैं तो उनकी इमेजेस भी इक्वल आनी चाहिए। अगर उनकी इमेजेस इक्वल नहीं आ रही हैं, इसका मतलब कि वो जो मैपिंग है वो वेल डिफाइंड नहीं है। हम 1-1 कैसे चेक करते हैं कि अगर दो एलिमेंट्स की इमेजेस इक्वल आ रही हैं तो वो एलिमेंट्स जो हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। और थर्ड जो चीज है वो है ऑनटूनेस, यानी कि कोई भी एलिमेंट अगर हम सेट बी के अंदर ले रहे हैं तो उसका एक प्री इमेज ए के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। और प्री इमेज हर एक एलिमेंट की एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये भी हर एक एलिमेंट फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए एंड फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी के लिए ट्रू होना चाहिए। यहां पर हमने बात करी है ग्रुप की, इसकी बजाय अगर हम रिंग थ्योरी लेते हैं तो वहां पर एफ जो है वो ग्रुप होम आइसोमॉर्फिज्म की बजाय ग्रुप सॉरी यहां पर हो गया है वेल डिफाइंड 1-1 और ये हो चुका है ऑन टू। यहां पर हम बात कर रहे हैं ग्रुप की। इसके अलावा अगर हम रिंग थ्योरी लेते हैं तो भी 1-1 ऑन टू और वेल डिफाइंड का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहता है। लीनियर अलजेब्रा में भी वेल डिफाइंड 1-1 और ऑल टू का कॉन्सेप्ट सेम रहता है। और इसी तरह से ये तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं वो यहां पर हमारे लेटेस्ट थ्योरी के अंदर भी ट्रू होंगे, यानी कि अगर हमारे पास में एफ फ्रॉम पी टू क्यू एक मैपिंग है तो अगर हमें चेक करना होगा कि आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं तो सबसे पहले हम उसकी वेल डिफाइंडनेस को चेक करेंगे जो कि सेम है बाकी चीजों की तरह, फिर हम उसकी 1-1-नेस को चेक करेंगे और फिर हम चेक करेंगे उसकी ऑनटूनेस को। ये तीनों चीजें हमें यहां पर सेम तरीके से चेक करनी होंगी। अब हम बात करते हैं होमोमॉर्फिज्म की, कि हमारे पास में कोई भी जो मैपिंग है फ्रॉम पोसेट पी टू पोसेट क्यू वो होमोमॉर्फिज्म कब होगी, जब हमारे पास में अगर एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई सॉरी एक्स इज रिलेटेड टू वाई विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन आर है, इम्प्लाइज एफ एक्स शुड बी रिलेटेड टू एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन आर डैश। हमारे पास में आर इज अ रिलेशन ऑन पी है एंड आर डैश इज अ रिलेशन ऑन क्यू है। हमारे पास में पी विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन आर एक पोसेट है, क्यू विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन आर डैश एक पोसेट है। कोई भी मैपिंग है एफ फ्रॉम पी आर टू क्यू आर डैश, ये होमोमॉर्फिज्म कब होगी, जब हमारे पास में एक्स इज रिलेटेड टू वाई विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन आर इम्प्लाइज सॉरी यहां पर इफ एंड ओनली इफ होता है सॉरी करेक्ट कर लीजिए उसे इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इज रिलेटेड टू एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन आर डैश।
और या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x इज लेस देन इक्वल टू y इन p इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ वाई इन q। तो ये कुछ इस तरह से हमने यहां पर होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को डिफाइन करा है। ये हमारे पास में डेफिनेशन है होमोमॉर्फिज्म की, ये हमारे पास में डेफिनेशन है होमोमॉर्फिज्म की। कोई भी रिलेशन जो वन वन हो, ऑन टू हो, होमोमॉर्फिज्म हो, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं कि वो जो रिलेशन है वो आइसोमॉर्फिज्म बन जाता है। अगर वो रिलेशन आपको पहले से दे रखा हो तो वो आपकी एक मैपिंग बन जाएगी, यानी कि वो एक फंक्शन बन जाएगा। और अगर आपको वो रिलेशन खुद से डिफाइन करना है तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि वो जो रिलेशन है वो वेल डिफाइंड है या नहीं। सबसे पहले आप वेल डिफाइंडनेस चेक करोगे, उसके बाद में आप वन वन चेक करोगे, फिर ऑन टू चेक करोगे, और फिर आप चेक करोगे होमोमॉर्फिज्म। ये तीनों चीजें सेटिस्फाई जब हो जाएंगी उसके बाद में आप ये कहोगे कि एफ जो है वो एक आइसोमॉर्फिज्म है फ्रॉम पी टू क्यू। तो चलिए इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो मैं आपको लिख के बताती हूं कि इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी। लेट पी विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन आर एंड क्यू विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन आर डैश आर टू पोसेस अ वन वन ऑन टू मैपिंग, अ वन वन ऑन टू मैपिंग F from PR to QR dash is called an isomorphism, is called an isomorphism if X is related to Y with respect to relation R if and only if FX is related to fy with respect to relation r dash or x less than equal to y in p if and only if fx less than equal to fy in q। तो ये हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट था वो आइसोमॉर्फिज्म का था। आने वाले वीडियोज में इस पे बेस्ड हम और क्वेश्चन जो हैं, थ्योरम्स जो हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।